हेलो गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रात का समय में चांदनी रात है, बढ़िया नहीं दिख रहा है चांदनी रात। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ खेत में आया हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। अभी भी यहाँ कुछ घास हमारा पड़ा हुआ है और तिरपाल भी यहीं, तो उस तिरपाल से ढका हुआ है। लोग अभी जा रहे हैं होली दहन के लिए, जा रहे लोग गाड़ी के जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल गए। मैं भी अभी यहाँ अपना खेत में आया, डेयरी से यहाँ खेत में आया हूँ, क्योंकि ये हमारा खेत है। तो यहाँ एक जब घर पे होता हूँ तो एक चक्कर जरूर यहाँ लगाना हो जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये खेत मतलब मालिक आके मतलब देखे ही ना, जब जरूरत होता तभी आके देखता है, ऐसा ना हो। इसलिए और चूँ कभी भी मैं इधर आ जाता हूँ, वो पिछले दिनों में आप लोगों के साथ जो बातचीत किया, जो खुदा से मैंने दुआ प्रार्थना की है कि यहाँ एक रहने का वो छोटा सा मतलब रहने का घर बन जाए, तो काफ़ी हम लोग को सहारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी उसके लिए काफ़ी और मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रात का समय में सुंदर चांदनी रात जैसे है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए, इसलिए सिर्फ चांद भी धुंधला सा नज़र आ रहा है, धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये जो दिख रहा है ये चांद है, ये मैंने मोबाइल में कैद किया हूँ, मेरा चेहरा नज़र नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझसे जानते हो, इसलिए चांदनी चांदनी रात में लेकिन चांदनी नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह दुनिया में दोस्तों बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग है, जो टैलेंटेड लोग है जो एक्चुअली इस चाँद दिखते रहे, चमकते हैं, जब उसको दिखाओगे तो चमकते हैं। लेकिन कुछ सितारे हैं जो अभी बादल छाया हुआ है, इसलिए कुछ ये चांदनी तारे के समान है, वो जो अभी मतलब बादल आए तो दिखाई नहीं देते। दोस्तों दुनिया में बहुत ऐसे सितारे हैं जो मतलब ऐसे टैलेंटेड है जो, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो मेहनत जो आना चाहते हैं उसको मेहनत काफ़ी करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हम इसी तरह मेहनत करते जाए, अपने और सपनों को साकार करते जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड।